चंद्रमा को चंदा मामा भी क्यों कहते हैं? आप लोगों ने पौराणिक कथाएं तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं इसके पीछे का आपको साइंस बताता हूं और साइंस की फैक्ट बताऊंगा, और उसी फैक्ट के आधार पर अपन जानेंगे कि चंद्रमा को चंदा मामा भी कहा जाता है। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 भेजा चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है और वहाँ के खनिज, वहाँ के वातावरण और वहाँ की जलवायु और वहाँ के जल की जानकारी भारत को पहुँचाना। तो इसी चंद्रयान 3 की चर्चा के बीच में अपन जानेंगे कि चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहते हैं। देखिए, 1980 में एक सिद्धांत आया कि 4.5 बिलियन साल पहले धरती और थिया की टक्कर होती है और इसी टक्कर से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे कहते हैं कि चंद्रमा पर जो चट्टाने पाई जाती है और धरती पर जो चट्टाने पाई जाती है दोनों सेम है। वो कहते हैं कि धरती और चंद्रमा दोनों ही एक ही पिता के संतान हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। 9 ग्रह हैं, लेकिन एक भी ग्रह धरती के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, सिर्फ चंद्रमा के सिवा। चंद्रमा बिना किसी लालच के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और धरती की रक्षा करता है। और आपको बता दूं, चंद्रमा के कारण ही अपनी धरती पर ऑक्सीजन है, चंद्रमा के कारण ही मनुष्य का जीवन धरती पर संभव है, चंद्रमा के कारण ही जीव जंतु और जल वायु संभव है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की रक्षा करता है बिना किसी लालच के, धरती के चारों ओर घूमता रहता है, एक बाई की तरह धरती की रक्षा करता है। इसीलिए चंद्रमा को हम लोग चंदा मामा कहते हैं। पौराणिक कथाएं तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज मैंने इसके पीछे आपको साइंस बताया है। साइंस के अनुसार भी चंद्रमा धरती की रक्षा करता है, इसीलिए चंद्रमा को चंदा मामा भी कहा जाता है।